इस वीडियो में बात करेंगे रोमन रेंज के बारे में कि रॉ में रोमन रेंज ने क्या कहा स्टील केज मैच की कंट्रोवर्सी को लेकर। रोमन रेंज ने जो भी कहा वो आपको बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, कोई अपनी बकवास नहीं। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो ये रो तो आपने देखी ही होगी। इस रो की स्टार्टिंग में हमें रोमन रिंग्स की एंट्रेंस देखने को मिलती है। जैसा कि हम सोच रहे थे कि रोमन रिंग्स को कैसा रिस्पांस मिलेगा यूएसए की क्राउड से, जैसा हम सोच रहे थे उससे भी ऊपर गया। मतलब उस क्राउड ने रोमन रिंग्स को इतनी बू की कि बोलने तक नहीं दे रहे थे। मतलब उस क्राउड से रोमन रिंग्स को बू के अलावा कुछ नहीं मिला। तो अब बात करते हैं टॉक की, क्या बात है कि रोमन रिंग्स ने स्टील केज मैच को लेकर। तो रोमन रिंग्स ने कहा कि मैं यहाँ पर बहाने मारने नहीं आया हूँ। और तो और जो रेफरी था उस मैच में, मतलब ब्रॉक लेसनर रोमन रिंग्स के स्टील केज मैच में जो रेफरी था, उस रेफरी ने भी माफी मांगी है ट्विटर पर। आप ये ट्वीट देख सकते हैं, लिटरली रेफरी से गलत डिसीजन हुआ इसलिए रेफरी ने माफी मांगी है। तो रोमन रिंग्स कहते हैं कि मैं कोई बहाने मारने नहीं आया। आप लोगों ने रेफरी का ट्वीट पढ़ा तो उस ट्वीट से ये साबित होता है कि मैं हूँ आपका न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। और उस वक्त जो रोमन रिंग्स को क्राउड की तरफ से बू मिल रहा था वो देखने लायक था। रोमन रिंग्स कहते हैं कि उस मैच के बाद मुझे यूनिवर्सल चैंपियन होना चाहिए पर मैं नहीं हूँ। फिर रोमन रिंग्स कहते हैं कि मैं ही हूँ जिसने हराया है ब्रॉक लेसनर को स्टील केज मैच में। मैं इस बात के लिए पीछे नहीं हटूंगा। मैंने ये बात ब्रॉक लेसनर के सामने भी रखनी थी पर आपको तो पता ही है कि ब्रॉक लेसनर नहीं आए। तो अब मैं सारी अटेंशन बैकलैश के ओपोनेंट पर डाल रहा हूँ और वो है समोआ जो। और इसके बाद हमें समोआ जो की वीडियो क्लिप देखने को मिलती है। और इसके बाद सैमी ज़ेन, जिंदर माहौल, केविन ओम्स रोमन रिंग्स को इंटरप्ट करते हैं और मारते हैं रोमन रिंग्स को। और रोमन रिंग्स को हेल्प करने आते हैं बॉबी लैशली और ब्रॉन स्ट्रोमन। तो ये था सेगमेंट रोमन रिंग्स का जो इस रॉ में हुआ। तो अब बात करते हैं रोमन रिंग के स्टील केज मैच के बारे में कि अब तो WWE ने ये ऑफिशियली अपने आप से ये कंफर्म कर दिया है कि रोमन रिंग जीत चुके हैं ये मैच। क्योंकि अगर WWE ऐसा अपने आप से नहीं दिखाना चाहती कि रोमन रिंग जीते हैं तो वो WWE रेफरी की ट्वीट को अपने रॉ के एपिसोड में नहीं डालती। अब इससे ये क्लियर हो चुका है कि WWE अपने आप से मान रही है कि रोमन रिंग्स नहीं हारे हैं वो मैच, रेफरी की गलत डिसीजन से वो मैच हारे हैं रोमन रिंग्स। तो इसका मतलब रोमन रिंग्स को भी रीमैच मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा वो पता नहीं। जी हाँ, अगर हम रोमन रिंग्स की बात करें तो रोमन रिंग्स की हालत अभी जॉन सीना जैसी हो चुकी है। क्योंकि जॉन सीना की हालत भी 2009 और 2010 में ऐसी हो चुकी थी जब फैंस उन्हें बू करने लगे थे, जब फैंस को पता चल गया था कि मैकमैन जॉन सीना को पुश दे रहे हैं। वही हालत अभी रोमन रिंग्स की हुई। अब WWE यूनिवर्स के पास एक बात हो चुकी है कि रोमन ही है विंसिस बॉय, तो इसलिए रोमन रिंग्स को वो बू करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन से लोगों में से हो जो रोमन रिंग्स को बू करते हैं उनमें से, या रोमन रिंग्स को चीयर करते हैं उनमें से। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और WWE की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।